बीजेपी कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती, चाहे सदन हो या फिर सदन के बाहर। बीजेपी का हर नेता कांग्रेस पर कटाक्ष कर ही देता है, लेकिन बीजेपी वाले सचिन पायलट पर कभी तल्ख टिप्पणी नहीं करते। उसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये कि सचिन पायलट अपनी सरल और सीधी भाषा के लिए जाने जाते हैं। वो अपने विरोधियों पर भी बड़े ही संयम के साथ निशाना साधते हैं। भाषा की मर्यादा जो अब राजनेता भूल चुके हैं, उसे पायलट ने कभी नहीं भुलाया। लेकिन इस बार बीजेपी पर, या कहे कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सचिन पायलट ने निशाना साधा है, जिसे सुन बीजेपी वाले भड़क जाएंगे। दरअसल पायलट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भाजपा स्वयं को 370 सीट और राजग को 400 से ज्यादा सीटें मिलने की बात कर रही है, जो जमीनी स्तर पर व्यवहारिक आकलन के बजाय डींग हाँकने वाला बयान और शब्द डांबर है। हालांकि पायलट ने यहां सीधे प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, मगर बीते दिनों ही सदन में पीएम मोदी ने कहा था कि पूरा देश कह रहा है, अब की बार 400 पार। खड़गे जी भी कह रहे हैं 400 पार। मैं इन आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन देश का मिजाज एनडीए को 400 पार कराकर ही रहेगा। बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 पार सीटें देगी जनता। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। सदन के बाद प्रधानमंत्री ने 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिशन 400 पार का बिगुल भी फूंक दिया। साथ ही उन्होंने अकेले बीजेपी के लिए 370 का टारगेट सेट किया है। उन्होंने जनजातीय महासभा को संबोधित करते हुए 400 पार का लक्ष्य दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एनडीए की 400 प्लस सीटें कैसे आएंगी। अब पायलट ने 370 और 400 से ज्यादा सीटों वाली बात को ढींग हाँकने वाला और शब्द डांबर बताया है। वहीं पायलट ने गठबंधन पर कहा, हमारी कोशिश है कि हम साथ में एक होकर लड़ाई लड़े। हाँ, कुछ दल ऐसे हैं जो गठबंधन से अलग हो गए हैं, लेकिन अधिकतर पार्टियां अभी भी इसका हिस्सा है और हम जल्द ही सीटों की भी घोषणा करेंगे और गठबंधन जिस रोडमैप के साथ आगे बढ़ेगा उसके बारे में भी जानकारी देंगे। पायलट के बीजेपी पर निशाना साधने से एक बात तो साफ हो गई है कि पायलट अब लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और वो बीजेपी को घेरने का अब कोई मौका नहीं छोड़ने वाले।